हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे LG का एक LED TV जो जिसमें प्रॉब्लम बग आ रहा है। उसमें बग यही है जो इसमें का मतलब टीवी है ऑन हो रहा है, अच्छी बात है ऑन हो रहा है ओके, एंड ऑन होने के बाद चल भी रहा है 5 से 6 सेकंड एंड देन ये हो जा रहा है ऑटोमेटिक बंद एंड ऑटोमेटिक चालू भी हो रहा है एंड एक मिनट या फिर कहो तो 50 से 60 सेकंड मतलब 50 1 मिनट चल रहा है 50 सेकंड 1 मिनट एंड देन ऑटोमेटिक फिर से क्लोज़ हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्विच ऑन है और आप फिर भी बंद दिख रहा है आपको, है ना। तो दोस्तों अब मैं इसमें का जो प्रॉब्लम है देखूँगा क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं इसमें जो ये नहीं चल पा रहा है। और बेसिकली जो मेज़र प्रॉब्लम होते हैं होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और भी इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। देखिए यहाँ पर मेज़र प्रॉब्लम IC से ही आते हैं और नहीं तो फिर प्राइमरी सेक्शन से आते हैं जब वोल्टेज इसको इक्वल नहीं मिलता। ये जो प्रॉब्लम है यही मेन प्रॉब्लम होते हैं इसके, जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है एक प्रॉपर वोल्टेज उसका चाहिए जो नहीं मिल पाता है तब ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसको 100% सॉल्व करके सॉल्यूशन दूंगा इसका। पहले तो आपको पावर केबल को चेक करना पड़ेगा। पावर केबल देखा मैंने यहाँ पर 200 कुछ वोल्ट बता रहा है, यानी कि ओके है, मतलब 220 प्लस होना चाहिए तो टीवी के लिए ओके होता है 220 प्लस ओके। अब घरों में 240 प्लस भी आते हैं, अब यहाँ पे 233 के समथिंग आ रहा है। अब ये देखिए बता दूँ मैं, वो एसी वोल्टेज है फ्लक्चुएट होता रहता है। अब बिजली का प्रॉब्लम भाई मैं क्या करूँ इसमें का, है ना। मैंने यहाँ पे बैक पैनल खोल दिया है और जो यहाँ पे दो चीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले है, मदरबोर्ड है और यहाँ पर है प्राइमरी सेक्शन जहाँ से 220 वोल्ट मिलता है और बन के आता है जितना वोल्ट इसको नीड है ना। यहाँ पर मैं इसका IC चेक कर रहा हूँ ग्राउंड करके देख ला, आसानी से हो जाएगा। कोई भी ऐसी शॉर्ट नहीं है मैंने देखा। अब ओके, जितने भी कनेक्टर हैं मेन मदरबोर्ड में उसको आपको निकाल लेना है क्योंकि अब इसको हम देखेंगे पीछे से भी बैक से भी। और थोड़ा सा यहाँ ट्रेन आ रहा है क्योंकि रेलवे स्टेशन के थोड़ा नज़दीक ही घर है और यहाँ एयरपोर्ट भी सामने ही है। खैर यहाँ पे नॉइज़ तो हर जगह से आता है, यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा है। अब देखते हैं मोनो AU100 का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर कितना काम कर पा रहा है मोनो माइक लावालियर। और यहाँ पर सारा कनेक्टर निकाल के देखा, कहीं से भी कोई भी शॉर्ट का निशान, कोई भी ब्लैक जला दगा कुछ भी नहीं है। और मैंने वैसे मल्टीमीटर से भी देखा है और कहीं भी मुझे फॉल्ट मदरबोर्ड में तो नहीं दिखा। फिर मैं गया कनेक्टर्स पर और मैंने इसको क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया कुछ लिक्विड। मैंने तो बेसिकली यूज़ किया एनाकार्डियम ओरिएंटल का, जो कि आपको इजीली होम्योपैथी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। पावर 200 या फिर 30 ले लेना। अगर नहीं मिलता ऑफकोर्स नहीं मिलने वाला, ये आपको सोचोगे क्या होता है, आप इसके जगह यूज़ कर लेना पेट्रोल का PCB स्प्रे का या फिर क्लीनर जो भी आता है देख लेना। लेकिन बेस्ट मैं एनाकार्डियम ओरिएंटल सबसे बेस्ट होगा, वो अंदर से अंदर इतना मस्त साफ करेगा ना, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल ब्रांड न्यू कर देगा। और यहाँ पर फिर से ट्रेन आ गया, हॉर्न बज रहा है। यहाँ पर जितने भी कनेक्टर्स हैं आपको साफ करके क्लीन करके लगा लेना है, कहीं से भी धूल वूल ना दिखे कनेक्टर्स में। क्योंकि हाँ एक बार बता दूँ, ये टीवी मेरे पास दूसरी बार आ रहा है, ऑफकोर्स ये मेरा TV है। और यहाँ पर जो दिक्कत है डिस्प्ले से आया था, एक बार डिस्प्ले में क्या दिक्कत था, डिस्प्ले में जो कलर आ रहे थे ना वो बिल्कुल चेंज हो गए थे। मैन के फेस पर ग्रीन कलर आ रहा था, ग्रीन रेड, मतलब पूरा एक होता ना डिस्प्ले ब्लिंक टाइप, जिसमें जो कलर इधर उधर हो जाते हैं। मैन का फेस क्लियर दिख नहीं रहा था, इंसान का जो होते हैं ना, और वर्ड्स एक तरह से मैं क्या कहूँ, मतलब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, फ़ोटो दिखा दूँगा, उस टाइप का आ रहा था। और यहाँ पर मैंने पूरा देखा, क्लीन किया। और हाँ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने एक स्क्रैच मारा है, वो मैंने क्यों मारा है, आपको कार्बन लग जाता है ना AC पावर में, इसीलिए मैंने मारा था स्क्रैच। अब मैं टाइम लैप्स पे पूरा बैक पैनल कस देता हूँ। मैंने TV को कंप्लीट कर लिया है, अभी 100% वर्केबल हो चुका है। आपको कैसे, मतलब मैंने इतना आसानी सॉल्व कर दिया। कार्बन लगने के कारण यहाँ पर दिक्कत था, मैं समझ गया हूँ, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे पहली बार नहीं, मैं बहुत TV देखा हूँ, मुझे पता है। और यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ इसको सेट टॉप बॉक्स से ऑडियो वीडियो केबल के जो भी कनेक्ट कनेक्शन होते हैं
ऑडियो की ऑडियो वीडियो केबल है, चलिए लगा लेते हैं इसमें। और भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, वेट करिए, लगा ही रहा हूँ बस, ओह थोड़ा जल्दी कर। लो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर मस्त चलेगा। ओ लो जी वो आ गया यहाँ पर लाइट, यहाँ पर देखिए वेलकम का आ गया स्क्रीन, एंड अब ये बंद नहीं होगा, अब ये बंद नहीं होगा। थोड़ा सा आपको वॉइस अलग दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू है ना। अब मैं काफ़ी चैनल प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से प्ले हो रहा है। दोस्तों मैंने अपने टीवी को बहुत आसान से बना दिया है, अगर आपको टीवी में भी ये प्रॉब्लम है तो आप बना सकते हैं अपने, हाँ आप खुद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।